बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। अंकिता हत्याकांड के आरोपी को फांसी देने की मांग। आज अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल के द्वारा अंकिता हत्याकांड को लेकर चंद्राचार्य चौक रानीपुर मोड़ पर प्रदर्शन किया गया ताकि आरोपियों को फांसी सजा मिले, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संजीव ठाकुर, प्रदेश प्रभारी विपिन सोनी उपस्थित रहे और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राजपूत जी ने बताया कि बहन अंकिता के साथ पुलकित आर्य और उसके साथियों ने जिस तरह से इस नन्ही सी बिटिया के साथ रेप का हत्या किए, इसमें सरकार और शासन प्रशासन ठोस कदम उठाएं। इन जैसे दरिंदों को इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। पुलकित आर्य तथा उसके साथियों को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए ताकि आगे कोई किसी बहन बेटी के साथ ऐसा करने से डरे। और हिमांशु राजपूत जी ने यह भी कहा कि अगर राजस्व पुलिस रेगुलर पुलिस को एक केस तुरंत अगर ट्रांसफर किए होते हैं तो बेटी की जान बच सकती है, लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई है और जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है उसके खिलाफ भी सरकार और शासन प्रशासन उचित कार्रवाई कर उसको सजा दे ताकि कोई अधिकारी इस तरह की घटनाओं और लापरवाही बरतने से डरे। वहीं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि ड्रोलिया ने बताया कि बेटी अंकिता के साथ दरिंदों जिस तरह से दरिंदगी की है उनको सरकार फोर्स ट्रैक की प्रक्रिया के द्वारा इनको तुरंत फांसी की सजा सुनाए। हमें पुष्कर सिंह धामी जी से बहुत उम्मीद है। उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत उम्मीद करती है और धामी जी इस घटना के अपराधियों को कठोरता से नहीं लेंगे तो उत्तराखंड की जनता का उम्मीद टूट जाएगा। इस प्रदर्शन में महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आरती नेगी, कविता इंदु, दुर्गा पूजा, जिला अध्यक्ष राजकुमार भट्ट, विपिन विशाल, नितिन अंकी, जय प्रियांशु, विशाल यादव एवं तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन दोषियों को फांसी की सजा होने के लिए और हम माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं तो उन दरिंदों को फांसी दीजिए, नहीं तो उत्तराखंड का पूरा समाज, जो उत्तराखंड का पूरे लोग हैं, वो अगली बार से आपका विरोध करेंगे, क्योंकि अंकिता हमारी बहन थी, सबकी बहन है। हरिद्वार से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।